आंदोलन का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पंजाब और हरियाणा के किसान तो धरने पर हैं ही, उन्हें समर्थन देने के लिए कबड्डी के खिलाड़ी पावर लिफ्टर भी पहुंच चुके हैं। धरना स्थल पर एक अस्थायी जिम बनाया गया है। देखिए संवाददाता मौसमी सिंह की रिपोर्ट। पूरा अंदाज आप लोग का अलग है। डंबल्स देखिए, जरा देखिए यहाँ पे कितने किलो है ये? 10 किलो। 10 किलो उधर देखिए, पीछे ही आप लोग सब लोग, ये देखिए यहाँ पे एक मिनी जिम बना हुआ है। और इस 300 किलो मैडम, 300 किलो, पूरा 300 किलो, यानी कि पूरा 300 किलो है ये। और यहाँ पे सारे कबड्डी के खिलाड़ी हैं, पावर लिफ्टर्स हैं, वेट लिफ्टर्स हैं। एक मिनी जिम के तौर पे आपने इसको बनाया है? जिम बना दिया? बिल्कुल मैडम जी, हमने इसको बिल्कुल जिम बना दिया। ये एक सरकारों का कहना था, जो पंजाब है बिल्कुल नशे पे जा रहा, नशे से डूब गया पंजाब, खत्म हो गया। हम वो सरकारों को बताना चाहते हैं कि जो हमारी ये आने वाला फ्यूचर है, ये अभी नशों पे नहीं डूबा, अभी पूरा कैम है। जो हम किसानी धरने पे आ रखे है ना, इसमें हम अभी 6 महीने, चाहे मोदी जी आज ना माने कल ना माने, हम 6 महीने तक बैठ रहेंगे। हमारे को NRI की पूरी सपोर्ट है, और थोड़े दिन में हमें NRI भाई मशीने भेज रहे बड़े कैंटर में, शायद हम मशीने भी जहाँ लगा दें, अगर मोदी जी फिर भी ना माने, शायद हम कबड्डी की ग्राउंड जहाँ पर खुलवा देंगे। कबड्डी ग्राउंड हो रही है यहाँ पे। किसान एकता जिंदाबाद। लखी जी बताइए कि कितना वर्जिश करते हैं दिन में आप लोग, क्योंकि यहाँ आंदोलन में भी हिस्सा लेते हैं, तो कैसे क्या क्या वर्जिश का क्या कार्यक्रम रहता है, और बाकी जवानों को भी जोड़ते हैं? हाँ जी मैडम, 2 घंटे फिर भी काट ही लेने अपने लिए। 2 घंटे? हाँ जी, डेढ़ तो 2 घंटे। तो मसल वसल कुछ है? हाँ जी, हाँ जी, पूरे मैडम पूरे क्या मसल है, तो बिल्कुल भी वर्जिश कम नहीं पड़ी है? हा? ना ना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैडम। अपने डोले शोले ये देखिए, ये देखिए पहलवान है, कबड्डी के पहलवान है, और किसी तरह से भी पर आप वर्जिश करते हैं अमन जी, तो वर्जिश करते हैं तो उसके साथ साथ खान पान भी वैसे होना पड़ता है। आपने तो अभी देखा ही है, तो इधर खान पान की तो कमी नहीं है। हाँ। इसलिए वर्जिश कर रहे हैं कि इतना अच्छा खाना मिल रहा है अपने, इतना पंजाब वालों ने लंगर लगा लिया, हम भाइयों ने तो बादाम मिल रहे हैं, तो कुछ वर्जिश तो होनी चाहिए जी। तो इसलिए रहता है आपका डाइट में क्या क्या रहता है पूरा दिन में? सुबह मैम दूध है, केले हैं जी, तो अपना घर की रोटी जी, देसी घी, पूरा टोटली डाइट इधर मिलती है जी अपनी, पूरी मिलती है जी। तो जो भी खिलाड़ियों की जरूरत का खान पान होता है सब कुछ आप लोग देते हैं? इतने हम सारा कुछ ही अपन मिलता है, दुध भी अपना, लोकल पलवान भी अपने है, वो भी बहुत मदद करते हैं। हमारे गांव से पंजाब में से भी आ रहा है, जो इतने हरियाणा के पहलवान है वो हमारे भाई साहब के बहुत बढ़िया मित्र है, सुबह दही लस्सी दूध लेकर आते हैं, सभी को इतने मिलता है, जो भी फूड है बादाम है सबको श्रद्धाई बांटता है, जहाँ सबको मिलता है, सब कुछ मिलता है। और हम थोड़ा सा यहाँ पे रह के कुछ अच्छी संगत का असर का फायदा उठाएंगे, थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, और आप भी जरा सोचिए कि किस तरह से यहाँ पे किसानों ने ना सिर्फ अपने जज्बे से देश भर को हिला रखा है, पर उनके साथ बहुत भारी है, उनके साथ जो खिलाड़ी आए हैं उन्होंने भी इस पूरे आंदोलन को एक नया रूप, एक नई जान डाल दी है। कैमरा पर्सन परमिंदर के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक। मजबूरियां कितनी भी हो, मुश्किलें कितनी भी हो, जिंदगी हर जगह अपने रंग ढूंढ लेती है। सिंघू बॉर्डर से हमारी संवाददाता मौसमी सिंह आंदोलन की इन आफतों के बीच हौसले बढ़ाने वाली कुछ ऐसी ही कहानियां आपके लिए लेकर आई है। दिल्ली से सटी सीमा पर किसानों ने 14 दिन से डेरा डाल रखा है। अपनी मांगों पर अड़े रहने की जिद के बीच जिंदगी के कई रंग भी देखने को मिल रहे हैं। जैसे जालंधर से आया 7वीं में पढ़ने वाला वीर अपने पिता के साथ यहां आया है, लेकिन आंदोलन के साथ साथ चिंता अपनी पढ़ाई को भी जारी रखने की है। शुक्र है कि ऑनलाइन क्लास इसकी मुश्किलें कम कर रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन में आया वीर क्लास 7th में पढ़ता है, जलंधर के कॉन्वेंट स्कूल में, और यहाँ पे अपने पापा का साथ देने के लिए वीर प्रताप आया है। तो ये देखिए इस ट्रक में है वीर, और रोज अपने पापा का हाथ बटाता है, सबका हाथ बटाता है, सुबह ऑनलाइन क्लास भी करता है। कितना होशियार और होनहार बच्चा है कि यहाँ पे ठंड में ट्रैक्टर में बैठ के अपना ऑनलाइन क्लास करता है। परीक्षा हो गई है, अब थोड़ा जो भी होमवर्क होता है कर लेते हो आप?
वैसे पेपर हो गया मेरे, पेपर पहले हुए थे, उस पेपर को कर बाद में स्कूल थोड़ा सा हो गया, धीमा हो गया, फिर स्कूल में पेपर अब नहीं होते, अब सब कुछ ठीक है, अटेंडेंस लगती है बस। सिंघू बॉर्डर पर ही जय वीरू की ये जोड़ी आंदोलन में युवाओं का जोश दिखा रही है। जालंधर के रहने वाले हरजिंदर और गरमिंदर अपनी सुपर बाइक चलाकर यहाँ पहुँचे हैं। तो आप लोग सारे युवा किसान क्या करते हैं पूरे दिन? हम पूरा दिन यहाँ पर काम करते हैं, अपना जो भी है खाना बनाते हैं, मिलकर साफ सफाई करते हैं, जो भी काम करते हैं सभी मिलके करते हैं हम। नहीं हुण जात जूत तो नहीं आती हैगी घर दी, हुण तो आंदोलन च रहते हैं, आंदोलन च ही हैं। जब तक बिल वापस नहीं होते तब तक नहीं वापस जाएंगे। हाँ जी, बिल वापस करवा कर ही जाएंगे। आंदोलन कर रहे किसान महीनों की तैयारी के साथ आए हैं, सड़क ही इनका घर बन गई है। सब मिलकर खाना बनाते हैं, खाते हैं, दूसरों को खिलाते हैं और इस जंग में एक दूसरे का साथ निभाने का वादा करते हैं। ये दोस्ती कभी नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे मगर साथ ना छोड़ेंगे। ये है दोस्ती और ये है याराना। यहाँ पे आपको, यहाँ पे तमाम जो किसान है उनमें ये याराना नजर आएगा, ये भाईचारा नजर आएगा और शायद यही वजह है कि इस आंदोलन की अलग इतने जोर से, इतने शोर से लगातार जल रही है दिन हो या रात। कैमरा पर्सन रितेश के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।